विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड कुंभराज द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की समर्पण महाअभियान के निमित्त हनुमत शक्ति जागरण सामूहिक हनुमान चालीसा एवं जन जागरण वाहन रैली कुंभराज सरस्वती शिशु मंदिर प्रारंभ होकर टंटी चौक होते हुए छावड़ा चौराहा पेट्रोल पंप पर सम्पन्न हुई, जिसमें प्रांत साप्ताहिक मिलन प्रमुख विभाग संयोजक बजरंग दल अवधेश तिवारी, जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा, जिला मंत्री दिलीप सिंह कुशवाहा, जिला संयोजक राम सोनी मुख्य रूप में उपस्थित हुए। देखिए बीएसपी 24 न्यूज से गुना संवाददाता उमेश राठौर की है खास रिपोर्ट। उद्देश्य क्या था? भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का जो सपना हिंदू समाज 492 वर्षों से देख रहा था वो पूरा हुआ। उसके निमित्त में हनुमत शक्ति जागरण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं नगर नगर में, जिससे हिंदू समाज को जगाया जा सके। और किसी नेता द्वारा मंदिर निर्माण के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण हर घर से सहयोग प्राप्त हो, जिससे भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का सपना जो था वो भव्य रूप ले सके, उसके लिए जन जागरण के कार्यक्रम हर नगर में हर ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। आगे क्या तैयारियां रहेंगी इसको राम जन्मभूमि को लेकर? आगे की तैयारी के लिए 15 जनवरी से 15 फरवरी तक एक महीने का निधि समर्पण कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। उसके निमित्त हर घर तक जाएंगे, हर हिंदू समाज से 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 जिसकी जो श्रद्धा होगी वो भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हेतु अपना सहयोग प्रदान करेगा, जिससे कि संपूर्ण हिंदू समाज मंदिर निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सके। जय श्री राम। जय श्री राम।